A big diplomatic win for India against China. इंडिया की बहुत बड़ी फतह हुई है। दरअसल मोहम्मद मुइज्जू ने ऐलान किया है कि उन्होंने भारत को मालदीव के 28 द्वीप हैंडओवर कर दिए हैं। I am pleased to be joining you today as we witness the handover of essential infrastructure projects across 28 islands of the Maldives. Maldives hands over 28 islands to New Delhi. एक बहुत बड़ी जीत कही जा रही है इंडिया, ताकि भारत इन 28 द्वीपों पर वाटर और सीवरेज प्रोजेक्ट बनाए। So that tells a story कि इंडिया is very much interested कि हम मौका नहीं देंगे चाइना को कि वो पेनिट्रेट कर सके। डॉक्टर जयशंकर के 3 दिन मालदीव्स में गुजरे हैं और काया पलट हो गई है, गेम पलट गई है। मोहम्मद मुइज्जू ने ये ऐलान एस जयशंकर के सामने किया है। भारत अब मालदीव के इन 28 द्वीपों पर पानी को पीने लायक और इस्तेमाल करने लायक बनाएगा। Slowly but steadily, the Maldivian government is changing its tune. Up till a few months ago, they had an anti-India stance, but now it looks like they're trying to shed that image and adopt a friendlier tone. So President Muizzu ने basically, और शुक्रिया वो नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो बड़े खुले दिल के बंदे हैं। मैंने आपको बोला था कि इंडिया वापस गेम में आएगा। तो गेम तो चेंज हुई है, वो ऐसे कि अभी कुछ दिन पहले तो मालदीव जो कि इंडिया को आंखें दिखा रहा था, आज वो मालदीव इंडिया के घुटनों में बैठ चुका है। डॉक्टर जयशंकर इसलिए गए हैं क्योंकि अब गलती मान ली है मालदीव्स ने और भारत भी कह रहा है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, खत्म करो मैटर। और जिस दिन मोदी जी चले गए वहां पे मालदीव्स में, और फिर से वहां पे खुशहाली आ जाएगी। इस वक्त एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मालदीव्स हैंड ओवर 28 आइलैंड्स टू इंडिया। और इसी के साथ खबर ये भी चल रही है कि इंडिया बॉट 28 आइलैंड्स फ्रॉम मालदीव्स। मालदीव्स हैंड्स ओवर इट्स 28 आइलैंड्स टू इंडिया। प्रेसिडेंट मुइज्जू हिमसेल्फ साइंड द एग्रीमेंट। काफ़ी जगहों पर है, बहुत ज़्यादा ये खबर वायरल हो रही है। एक बहुत बड़ी जीत कही जा रही है इंडिया के लिए ये खबर कि ये एक डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की चाइना के ऊपर। तो देखिए खबर बहुत बड़ी है, ये बात दुरुस्त है कि खबर जो है वो बहुत बड़ी है जो मैं आपको बताने लगी हूँ, लेकिन खबर कैसे है, क्या ये खबर सही है जो ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने 28 आइलैंड्स खरीद लिए हैं मालदीव्स पर, या मालदीव्स ने इंडिया को 28 आइलैंड्स दे दिए हैं? तो खबर ये है कि इंडिया हैंड ओवर ह्यूज वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स टू 28 आइलैंड्स मालदीव्स। इसको थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए तो फैक्ट चेक मैं आपको बता रही हूँ कि ये है कि जो खरीदने वाली बात है, अगर आप उसको लिटरल मीनिंग में नहीं ले रहे तो आप उसको सही कह सकते हैं कि इंडिया ने एक ऐसा काम कर दिया मालदीव्स में कि वो ख़रीदने वाली बात हो गई है। लेकिन अगर आप उसको कह रहे हैं कि हकीकी मानों में जो है वो पैसे देकर, मतलब ये कि जैसे, तो वैसे नहीं है। ये फैक्ट चेक में आपको देखिए ये खबर जो है ना, ये जैसे कि जी न्यूज़ पर मैं आपको बताती हूँ क्या है। इन अ बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया अगेंस्ट चाइना, मालदीव्स हैंड्स ओवर 28 आइलैंड्स टू न्यू दिल्ली फॉर दिस रीज़न। अच्छा, जब ये दिस रीज़न आता है तो वो दिस रीज़न ठीक है। You cannot be outside the sphere of influence of India if you are in the subcontinent. ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप करोगे, आप सफर करोगे। मालदीव्स को भी पता लग गया। दो क्लासिकली हम उसको सबकॉन्टिनेंटल कंट्री नहीं मानते, लेकिन हमारा नियर नेबर तो है ही यार, बगल में तो है मालदीव्स। और कितना दूर है ये देखो साहब। यहां पे दूसरी चीज ये हो गई है कि इंडियन टूरिस्ट टू द मालदीव्स डिप्ड बाय 42% इन द फर्स्ट 4 months ऑफ द ईयर 2024। अब यहां पे इनका है कि जुलाई में इन्होंने 3 सिटीज में रोड शो करी थी, बेंगलोर में, मुंबई में, नई दिल्ली में। और फिर इन्होंने जो इंडियन टीम है उसको बोला था कि भाई टीम इंडिया को वहां पे भेजो। ये मालदीव्स क्यों कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर क्यों गए हैं? पहले उनका फॉरेन मिनिस्टर आया, समझ लो आप, फॉरेन मिनिस्टर आया, बीच में उनका एम्बेसडर आता रहता है, उसको तो 2-3 बार उसकी बेइज्जती भी करती, लेकिन फिर भी आ जाता है वो। ये हो गया। फिर आया मोहम्मद मुइज्जू, और जानबूझ के मोहम्मद मुइज्जू तब आया जब मोदी जी शपथ ले रहे थे, क्योंकि देखो यार शपथ लेने में ना मोदी जी क्या बोल देंगे उसको। घर में शादी है, घर में शादी है, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। घर में किसी की शादी है, खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं, एवरीबॉडी इज वेरी पॉजिटिव। अगर जिससे आपकी नहीं बनती, मैं दुश्मन वर्ड यहां पे यूज नहीं करूंगा, अगर किसी की नहीं भी बनती, अगर वो भी शादी में आएगा तो एक बार आप हाथ जोड़ के उसका स्वागत करेंगे, बोलेंगे बिना खाना खाए मत जाना। ये नेचुरल सी चीज है। ये सब मोहम्मद मुइज़्ज़ू को पता है। उसको पता है कि उसने भंड मारा है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने। उसको यह पता है कि उसके मंत्रियों ने भंड मारा है, इसलिए उसने वो दिन चुना कि इस दिन मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे, मैं उस दिन पहुंच जाऊंगा, मोदी जी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है, आपके कोई घर में आ गया, आप उसको क्या बोलोगे, गाली थोड़ी ना दोगे उसको। तो वो बात उसको पता है। अब डॉक्टर जयशंकर गए हैं, ये इनॉग्रेशन विनॉग्रेशन सब बहाना है दोस्तों, ठीक है। ये इनॉग्रेशन बहाना है, ये छोटी सी बात थी, ये कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी जाके कर सकता था, ठीक है, ये कोई भी जाके कर सकता था। डॉक्टर जयशंकर बहुत सीनियर हैं, एक टॉप लेवल के मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, उनके जाने की आवश्यकता नहीं थी। डॉक्टर जयशंकर इसलिए गए हैं क्योंकि अब गलती मान ली है मालदीव ने, और भारत भी कह रहा है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, खत्म करो मैटर। और जिस दिन मोदी जी चले गए वहां पे मालदीव्स में, तो अगले दिन से आप देखना ये जितने भी विस्तारा है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, जितनी भी फ्लाइट्स हैं, ये दिन में 4-4 फ्लाइट जाएंगी माले, और फिर से वहां पे खुशहाली आ जाएगी, हरा भरा हो जाएगा मालदीव्स। इट ऑल डिपेंड्स व्हेन द प्राइम मिनिस्टर सेज दैट आई विल गो टू मालदीव्स। डॉक्टर जयशंकर ने अभी हाल ही में एक दिन पहले मालदीव्स का दौरा किया है, और मालदीव्स ने ये कहना शुरू भी कर दिया है कि हम भारत के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करेंगे। मैं देख रहा था कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजू जो हैं, वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। ये तो बड़े हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं। इसका मतलब ये है कि शायद मालदीव्स जो है वो अपनी अच्छी कीमत लगवाने के लिए चाइना की तरफ भागे, और साथ में इंडिया को भी थोड़ा परेशान किया। और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है मौजू साहब ने कि इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट ally है और हमारा इनवैल्यूएबल पार्टनर है। मतलब हमारा इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं। हमारे पंजाबी कहते हैं मोली कोई नहीं, ठीक है। सो इट मीन्स के सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया, और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं, इधर से उधर हो गया। सो ये जो प्रेसिडेंट मौजू आए थे, ये बेसिकली अपना भौताव लगाने आए थे, और बेसिकली उन्होंने फॉर अ मोमेंट इंडिया को थोड़ा सा झटका झुटका दिया कि भाई जरा हमसे नए तरीके से निगोशिएट करो, ठीक है। अब जरा वो स्टेटमेंट चेक करें जो प्रेसिडेंट मौजू की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हर वो चीज़ इंडिया को देंगे, हर वो चीज़ इंडिया को देंगे जो इंडिया को मालदीव्स में चाहिए। और ये उन्होंने बात कहीं और नहीं की। ये अब देखें ना, मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो वाटर, यार आप यही समझें, मालदीव जो है ना एक सूबा है, एक स्टेट है इंडिया की, जो मुझे नज़र आ रहा है। मतलब वाटर सप्लाई तो इंडिया लगाएगा, सीवरेज फैसिलिटीज़ 28 आइलैंड में तो इंडिया लगाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी देगी। मालदीव्स का प्रेसिडेंट कह रहा है कि साहब मोदी साहब, तुसी बड़े खुले दिल दे बंदे हो, तुसी हमेशा हमें पैसे देते हो, तुसी हमेशा हमारा ख्याल रखते हो, आप हमें इतनी मोहब्बत करते हो कि हमारी गलियां, नालियां, पानी, सीवरेज, गटर, हर चीज नरेंद्र मोदी साहब के खाते में डाल दिया।